तो दोस्तों फाइनली हम अभी विक्टोरिया मेमोरियल के पास आ गए हैं और ये रहा बाहर का आपका नज़ारा। अभी हम लोग टिकट लेंगे, उसके बाद जाके अंदर जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा दोस्त। चलिए पहले हम लोग टिकट लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। हम लोग अभी टिकट ले चुके हैं और विक्टोरिया के अंदर हम लोग जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ है। टिकट ये रहा, टिकट प्राइस की बात करें तो 50 रुपये पर पर्सन। चलो चलते हैं दोस्तों। अभी हम फाइनली विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर आ चुके हैं और देखकर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को सारा नज़ारा दिखाते हैं कैसा लगता है और क्या क्या चीज़ें अंदर में, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। और देख सकते हैं बहुत सारा इधर हरियाली ही हरियाली है और बहुत मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। कोलकाता शहर में स्थित जो कि विक्टोरिया रानी के नाम पर समर्पित है, संगमरमर का बना हुआ ये महल अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड जनरल कार्जन 1905 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश और मुगल वास्तु शैली का अद्भुत निदर्शन है ये संग्रहालय। इस महल की ऊंचाई 184 फीट और 57 एकड़ भूमि पे निर्मित है। ये आप लोग देख सकते हैं चारों बगल ही बगीचा ही बगीचा है और सामने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। अगर बाहर से इतना मस्त ज़बरदस्त लग रहा है तो उस देखने में, तो अंदर में आप लोग सोच ही सकते हो कितना मस्त बनाया होगा। चलिए आप लोग को अंदर की ओर लेकर चलते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं। दोस्तों अभी अंदर की ओर जा रहे हैं और आप लोग को मैं दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्त बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा दोस्त। देखकर मज़ा आ गया। और चलिए हम आप लोग को अंदर की ओर दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं ये कैसे बनाया गया था, इसको स्ट्रक्चर है ये रहा। और मैं आप लोग को सारा कुछ दिखाऊंगा। ये महाराजा जी हैं। चलिए हम आप लोग को अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं और देखिए नज़ारा और बताइए कैसा लग रहा। और आप लोग आइए एंजॉय कीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या सुंदर लग रहा है, वाह। सच बताऊं तो इसके बारे में दोस्त क्या कहूं, कहने लायक कुछ शब्द नहीं बचा। और ये इतना बेहतरीन है, जो कहते हैं ना कुछ शब्द नहीं बचा इसके बारे में, खूबसूरती के बारे में कहने के लिए। इतना ये बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, इतने बेहतरीन तरीके से जो आप लोग सोच नहीं सकते। चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आगे वहाँ पे हमारे विक्टोरिया म्यूजियम में क्या रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का तलवार वगैरह है। चलिए और क्या क्या मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए। ये भी आप देख सकते हैं, ये आप लोग कर लो तोप ये रहा। और आप लोगों को मैं तोप दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये महाराजा जी का फोटो रहा। और इधर आपका ये जैसे कि ये भी गन है एक प्रकार का। इधर भी रहा, यहाँ सब लोग बाहर बाहर देशों से आते हैं घूमने के लिए। ये मैप रहा, स्ट्रक्चर
ये देखिए तोप रहा, काफ़ी पुराना तोप है ये जो अंग्रेजों के द्वारा था। और इधर आप लोग को ये दिखाऊंगा, हमारे बड़े बड़े महाराजा जो बंगाल के महाराजे लोग थे, उनके निर्देश, उनके बात विचार, उनके फैसले के द्वारा ये निर्माण किया गया, बनाया गया है। सो आप लोग देखिए, और मैं आप लोग को बहुत कुछ दिखाऊंगा इसमें जितने कुछ है सारे आस्ते आस्ते। सो ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लग रहा। दोस्त अभी हम फाइनली पूरा विक्टोरिया घूम चुके हैं और अभी हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं एक तोप रहा है यहाँ पे, और इधर पार्क टाइप का बनाया हुआ है आपका, ये पूरा बगीचा से घिरा हुआ है विक्टोरिया को। यहाँ पे फैमिली लोग आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, और उसके वजह के बच्चे लोगों के खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया से बनाया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग विक्टोरिया पूरा घूम चुके हैं, और घूमने के बाद यहाँ से हम लोग घर की ओर जाएंगे। फिर आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।